जयपुर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 पर क्लिक किया है, जो कि नॉन टीचिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है, एंड 6 का एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इन दोनों वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाउनलोड करने पर हमारे सामने एक 9 पेज की पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ गई है, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की डिटेल्स काफ़ी लेंथी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दी गई हैं। इसी तरह से आपकी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी लेवल की भी वैकेंसी की डिटेल्स यहां पर दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास मास्टर किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 55% मार्क्स मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी या इसके इक्विवेलेंट किसी कैडर में होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट पीएसयूज में हो सकता है। या अगर आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, या अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में अगर बात करें तो अगर आपके पास MBA है या CA या ICWA है या आप MCA है या LLB है या PhD है या BTech है तो आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही कैंडिडेट के पास IT एंड सॉफ्ट स्किल का नॉलेज भी मांगा गया है, एंड नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन वर्क ऑफ अ यूनिवर्सिटी सिस्टम की भी डिमांड यहाँ पर की गई है। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से मिल सकती है। यहां पर जो भी एज रिलैक्सेशन लागू होगी वो सभी वैकेंसी पर सेम है, एंड सैलरी का जो लेवल है लेवल 17 मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की, यहाँ पर भी अनडिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो मांगी गई है मास्टर किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, एंड कम से कम 6 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है सुपरवाइजरी में या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कैडर में जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट PSUs में हो सकता है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, साथ ही डिजायरेबल की अगर बात करें तो MBA या CA या ICWA है या आप MCA हैं या LLB हैं या PhD हैं या BTech हैं तो आपको इस पोस्ट की में वरीयता दी जाएगी। साथ ही कैंडिडेट के पास IT एंड सॉफ्ट स्किल का नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट सोल्स के हिसाब से यहां पर मिलने वाली है। सैलरी का लेवल लेवल 16 है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी है।
एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मांगा गया है या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। डिजायरेबल में MBA या CA या ICWA या MCA या LLB या PhD या BTEC मांगा गया है, IT एंड सॉफ्ट स्किल का नॉलेज मांगा गया है, साथ ही कैंडिडेट के पास 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी में या इक्विवेलेंट किसी कैडर में होना चाहिए। मैक्सिमम 40 के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सैलरी लेवल 14 है जो कि 1,44,200 से लेकर 2,18,200 है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 6 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, टोटल इस तरह से 9 वैकेंसी है। 10+2 पास आउट मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड राजस्थान से होना चाहिए। मैक्सिमम 45 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलेगी। सैलरी लेवल 5 है जो कि 29,200 से लेकर 92,300 है। नेक्स्ट पोस्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। योग्यता की बात करें तो 10th पास आउट मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राजस्थान अजमेर से होना चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलने वाली है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी जो कि 18,000 से लेकर 56,900 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 जनवरी 2022 रहने वाली है। अप्लाई फीस में जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 1000 फीस रखी गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 100 है एंड अप्लाई मोड यहां पर ऑनलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको कंसर्न फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन लॉगिन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा, जबकि जूनियर असिस्टेंट एंड फोर्थ लेवल कर्मचारी का सिलेक्शन रिटन टेस्ट पर आधारित होगा। प्रोविजन पीरियड के टाइम पर कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा इसको देख लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को प्रोविजन के टाइम पर 49,700 पर मंथ सैलरी यहां पर मिलेगी। डिप्टी रजिस्ट्रार को 47,200, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को 39,300, जूनियर असिस्टेंट को 14,600 जबकि फोर्थ लेवल कर्मचारी को 12,400 ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड मिलने वाला है एंड आफ्टर प्रोबेशन पीरियड वही सैलरी मिलेगी जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करके बताया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट की देख लेते हैं। पेपर स्टैंडर्ड यहाँ पर 10+2 लेवल का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर्स में पेपर फर्स्ट से आप जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे, 3 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाएगा। एंड पेपर सेकंड में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स का रहने वाला है, 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम 600 रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फोर्थ लेवल कर्मचारी की देख लेते हैं। पेपर स्टैंडर्ड यहाँ पर 10th लेवल का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर में हिंदी से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स। पेपर में हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 450 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना व्यायाम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके।